नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। चुनावी दौर में मुख्यमंत्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कंप्यूटर बाबा ने मुख्यमंत्री शिवराज पर संत विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ संत समाज अब एकजुट होने लगा है। संत समाज लोगों से मन की बात करेगा और प्रदेश के सभी जिलों में जाकर सरकार की धर्म विरोधी नीतियों को सामने लाएगा। चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री को संतों की याद आती है और 5-15 सालों से मुख्यमंत्री के पास संतों से मिलने का समय नहीं है। संतों के बार बार आग्रह करने पर भी मुख्यमंत्री ने संतों की कोई पंचायत नहीं बुलाई। मध्य प्रदेश में गोमाता दयनीय दुर्दशा हो रही है, वहीं संतों के आश्रमों और कुटिया को तोड़ने का काम किया जा रहा है। दरअसल 30 अक्टूबर को ग्वालियर में संत समागम होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने कंप्यूटर बाबा अपने अनुयायी के यहाँ ग्वालियर पहुँचे हैं। मंदिर और मस्जिद की बात की जाती है, लेकिन धर्म का संरक्षण नहीं हो रहा, जिससे संत समाज काफ़ी नाराज है। संत समाज पूरे मध्य प्रदेश में मन की बात करने जा रहा है। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी सभी को अपने मन की बात को थोपते थे, अब संत समाज ने भी कहा है कि आज तक मध्य प्रदेश में शिवराज ने संतों से नहीं मिलना चाहा, संतों से मिलना उचित नहीं समझा। पूरे 15 वर्ष हो गए लगातार संतों का आगाह रहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हम संत समाज से मिले, उनके साथ पंचायत करें, उनके साथ बैठें, पर आज तक उन्हें मिलना उचित नहीं समझा। इसलिए संत समाज ने अब निर्णय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में जाकर के संत समाज अपने मन की बात करेगा और अपने मन की बात में बताएगा कि शिवराज सरकार से संत समाज कितने दुखी हैं और संत समाज आज जो ठगे से महसूस कर रहे हैं। नर्मदा को खा गए, शिवराज सरकार ने नर्मदा को जो है अवैध खनन पर रोक नहीं पाए और नर्मदा को नरक बना दिया। नर्मदा को हमारी आने वाले समय में ऐसा रहा तो नर्मदा नहीं बचेगी, हम लोगों को क्या बताएंगे आने वाले समय में कि हमारी माँ नर्मदा है। इसलिए इसको देखते हुए गौ की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, शिवराज सरकार में गौ की वो दुर्दशा हो रही है जो किसी पशु की नहीं होती है और संत समाज ठगे से महसूस कर रहे हैं। ये जब चुनाव आता है तो शिवराज सरकार संतों की बात करती, मंदिर की बात करती, धर्म की बात करती, जबकि शिवराज सरकार धर्म के विरोधी है। इसलिए संत समाज ने ठाना है कि पूरे मध्य प्रदेश में जा जा करके संत अपनी मन की बात करेगा और शिवराज का असली चेहरा जो है वो जनता के सामने उजागर करेगा। तो कांग्रेस को सपोर्ट करेगा? हम संत समाज किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसका फायदा जिसे लेना है वो ले। हम तो हकीकत बताएंगे कि संत समाज वास्तव में जो शिवराज का असली चेहरा है, जो संत विरोधी चेहरा है, धर्म विरोधी चेहरा है, उसको हम सामने लाएंगे, मध्य प्रदेश के सामने, मध्य प्रदेश की जनता को बताएंगे, संत को बताएंगे, नेताओं को बताएंगे। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।